वेलकम बैक। इस क्वेश्चन में बोला है हेप्टेन का प्रोडक्ट होगा 2 मोल्स ऑफ इथेन एंड 1 मोल ऑफ प्रोपेन। इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट बता दिया है। बोला है किस टाइम पर मोलर रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन बाय मोल्स ऑफ इथेन शुड बी इक्वल टू 1। कितने टाइम के बाद ये दोनों का मोल रेशियो 1 हो जाएगा। ठीक है, सो देखो हम लोग को पता होता है P इज इक्वल टू 1/k ln A इनिशियल बाय A फाइनल। हम लोग को कुछ नहीं करना है, A इनिशियल बाय A फाइनल यहां प्लेस कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। अब देखो ये A इनिशियल किसका, हेप्टेन का। ये A फाइनल किसका, हेप्टेन का। दोनों हेप्टेन के मोल्स है। ठीक है, मोल हो कंसंट्रेशन हो बात बराबर रहेगा। ठीक है, तो अब देखो हम लोग पता करेंगे कि जब ये कंडीशन वैलिड होगा तब ये रेशियो क्या आएगा। मतलब ये दिया हुआ है, हम लोग को निकालना है हेप्टेन इनिशियल बाय हेप्टेन फाइनल व्हेन दिस इज 1। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। लेट्स से इनिशियली ये जो है अपना ये ए है, ये 0, ये 0। अब माइनस एक्स तो प्लस 2x एंड प्लस एक्स, यहां आएगा ए माइनस एक्स और यहां आएगा 2x। नाउ यहां x आएगा, रिक्वायरमेंट नहीं है इसका। ठीक है, नाउ दिस इज रेशियो इज 1 इंप्लाइज दिस इज इक्वल टू दिस। तो a माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू a बाय 10। तो a इनिशियल कितना आया, a आया। a फाइनल क्या है अपना, a माइनस एक्स, a माइनस a बाय 3। तो ये हो जाएगा 2a बाय 3। तो ये रेशियो क्या आया, दिस इज इक्वल टू ए इनिशियल बाय ए फाइनल इज इक्वल टू 3/2। तो हो तो गया, इम्प्लाइज दैट टाइम इज इक्वल टू 1/, और हाँ मैंने फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन यूज किया। कैसे यूज किया, क्वेश्चन तो बोला नहीं था फर्स्ट ऑर्डर, इसलिए यूज किया क्योंकि के का यूनिट सेकेंड इनवर्स है। के का यूनिट सेकेंड इनवर्स किस केस में होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में होता है, इसलिए मैंने फर्स्ट ऑर्डर वाला यूज किया। तो t इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁴ इंटू ln 3/2 सेकेंड, यहां सेकेंड इनवर्स था तो वो सेकेंड हो गया। इंप्लाइज दैट t इक्वल टू 10⁴ इंटू ln 3/2 सेकेंड। बट देखो अपना आंसर जो है मिनट में दिया हुआ, so implies that t is equal to 10⁴ into ln 3/2 by 60 minute। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा t is equal to 67.59 minute। ठीक है, थैंक यू।